हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि अपने कंप्यूटर से ही अपने खुद सेल्फ रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं श्रमिक कार्ड का, जो आजकल गांव में ही श्रमिक कार्ड भरा जा रहा है ना फ्रेंड, आप देख चुके होंगे। तो उसको हम खुद से ऑनलाइन कैसे करेंगे, CSC भी जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। मैं आपको वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन बता रहा हूँ कैसे किया जाए। चलिए हम अपने सिस्टम पे और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले अपने किसी भी ब्राउज़र को खोल लेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, यहाँ पर ये ई श्रमिक कार्ड जो है इसको सर्च करेंगे अपने क्रोम में। और यहाँ देखिए, सीधे सेल्फ रजिस्ट्रेशन का आएगा। इसमें अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, ठीक है फ्रेंड। फ़ोन नंबर फिल करेंगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, वो वाला फ़ोन नंबर इसमें लिंक करेंगे, ठीक है। वो ऐड करेंगे, जैसे हम अपना फ़ोन नंबर ऐड करते हैं, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ अपना फ़ोन नंबर। और नीचे इसका कैप्चा कोड दे रहा है, कैप्चा कोड फिलअप करेंगे इस पेज पे, ठीक है। कैप्चा कोड फिलअप करते हैं फ्रेंड, ओके। यहाँ फिलअप करके नीचे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका PF अगर EF ESI वगैरह चलता होगा किसी कंपनी में, तो ये आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड। तो इसको हम नो करेंगे, अभी यस करेंगे तो देख सकते हैं। अभी यस करने पे क्या आएगा, आपको देखिए नीचे दे रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टू रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस फ्रेंड। आपको नो करना है और सेंड टू OTP करना है। आपके फ़ोन पर जो आपके आधार कार्ड से लिंक है नंबर, उस पर OTP जाएगा, उस OTP को इसमें फिल करेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो आपके यहाँ पर सेकेंड चल रहा है आपके सामने, तो आप फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर OTP गया होगा आपके फ़ोन में, वो इसमें OTP डालेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो हम अपना OTP डाल देते हैं फ़ोन का। OTP डाल के हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम आपको पूरी प्रोसेस इसमें बताएंगे। और यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, ठीक है। आपका 12 अंक का जो आधार नंबर रहता है, इसमें फिलअप करके सबमिट करेंगे। फिर जो आधार कार्ड से जो फ़ोन नंबर जो लिंक था, उस पर OTP आएगा, ठीक है। उस पर OTP यहाँ पर फिलअप करेंगे, OTP डाल के फिर सबमिट करेंगे फ्रेंड। सबमिट करने पे आपका आगे का प्रोसेस होगा। तो अभी मैं OTP में वेट करता हूँ, OTP आते ही मैं आप इस पे फिलअप करके OTP डाल। फ्रेंड, मैं आपको पूरी क्लियरली बताऊँगा कि कैसे करते हैं। और अपने फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से जो भी आपके पास चीज़ है आपके पास, वो चीज़ आप कर सकते हैं आराम से, अपने फ़ोन से ही घर बैठे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। हम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, आप बस हमारे वीडियो में बने रहिए। और भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि कोई चीज़ अगर आपसे मतलब नहीं हो पा रही है, तो मुझे कमेंट कीजिए या मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगा, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड, आपको बता दूँ कि अगर आपको शॉपिंग भी करनी है या कोई और टेक्निकल नॉलेज लेना है, तो हमें आप संपर्क कीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पूरी साइट की, अपनी वेबसाइट की लिंक। आप उस पर क्लिक करके हमारे डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। मैं आपको बहुत कम सस्ते दाम पे ही आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करा दूंगा, जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह, जितने भी आपको प्रोडक्ट चाहिए कम सस्ते दाम पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर फिल कर दिया हूँ अपना OTP। OTP आया नहीं फ्रेंड, मे भी कोई प्रॉब्लम होगी, आ ही रहा है OTP, मैं फिल करता हूँ फ्रेंड। वीडियो बने रहिए, आप वीडियो स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आपको एक भी स्टेप समझ में नहीं आएगा, फिर तो आप वापस पेज पे जाओगे, फिर रिफ्रेश होगा, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए आपके पेज में, तो दिक्कत हो जाएगी। आप वीडियो पे एकदम बने रहिए, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको OTP फिल कर देता हूँ। OTP आने में थोड़ा टाइम लग गया है, सॉरी फ्रेंड, इसके लिए अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा हुआ। तो आप OTP का वेट कीजिएगा पूरी पेशेंस के साथ, आपको OTP मिल जाएगी, फिर हम सबमिट करेंगे, आगे की प्रोसेस होगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएंगे, यहाँ पे आपका पर्सनल पर्टिकुलर जो आधार पे जो एड्रेस रहता है वो पूरा आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट आपको नीचे कंटिन्यू टू प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स भरने के लिए देगा, पर्सनल डिटेल्स भरेंगे इसमें। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो मोबाइल नंबर है वो तो ऑलरेडी आ जाएगा।
डिटेल्स देना रहता है, ठीक है। यहाँ आपको मैंडेटरी रहता है नॉमिनी डिटेल्स के लिए, तो मैं अपने फादर का दे देता हूँ इसमें, और फिर आप फिलअप करके आप इसमें नेक्स्ट के लिए प्रोसेस के लिए नेक्स्ट करेंगे। अपना होम स्टडी जो अपना है वो डाल दूंगा, ठीक है। फिर हाउस नंबर, जो हाउस नंबर करंट डिटेल्स का जो हाउस नंबर रहेगा वो डाल दूंगा, जहां आप करंटली में रह रहे हैं वो चीज़ आपको देखना रहेगा, ठीक है। मैं यहां पे अपना स्टेटस डाल देता हूं, लोकेलिटी जो है ना, यहां के जो लोकल सिटी होगा उसका नाम डाल देंगे। स्टेट डाल देंगे कौन से स्टेट में आपका सिटी है, तो यहाँ पे टोटल आपको मतलब अपना डिटेल्स बताना है, करंट डिटेल्स जो भी आपका पेज पे आएगा आपका जो भी है वो आप डाल देंगे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, आप यहाँ स्टेटस जो आपका, अगर यहाँ पे आप जो परमानेंट एड्रेस है और करंट एड्रेस वो सेम रहेगा तो यहाँ पे आपको मार्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ पे चेक मार्क हटा के फिर से आप परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं अलग से। कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो उसका करंट एड्रेस रहेगा, अगर कहीं आप स्टडी कर रहे हैं उसका करंट एड्रेस दूसरा रहेगा, परमानेंट आप समझ सकते हो फ्रेंड। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल देंगे और यहाँ पर स्टेट फिलअप कर देंगे, सब डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, सब डिस्ट्रिक्ट तहसील जो होता है, फिर पिन कोड अपना फिलअप कर देंगे इसमें, फिर सेव और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपका आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन होगा वो फिलअप करेंगे, एंड देन अगर आप इसमें फाइल वगैरह फिलअप करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, कर सकते हो फ्रेंड। अपना जो फाइल होगा सर्टिफिकेट का उसमें आप अपलोड कर सकते हैं, ओके। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ऑक्यूपेशन पूछेगा आपका, स्किल क्या है, आप क्या करते हो वो पूछेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चीज़ देखने वाली बात है, यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे PDF इंस्टॉल कर रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कौन सा जो काम करता है उसका कोड आता है, उसको कोड फिलअप करके आप इसमें चेक कर सकते हैं, नहीं तो उस काम का जो वो रहता है जो आप किए हो काम कर रहे हो वो डाल सकते हैं यहाँ पे, उसका अलग से कोड है, कोड भी डाल सकते हो उसमें, ऑटोमेटिक भी सर्च कर लेगा। तो हम अपना यहाँ पर सर्च करते हैं और देखते हैं मेरा कहाँ है।
ठीक है, एंड देन नेक्स्ट करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे मैं और एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस डाल दूँगा और सबमिट करूँगा। यहाँ पे बैंक डिटेल्स पूछेगा, नेक्स्ट आपको बैंक डिटेल्स डालना है, कौन सा बैंक डिटेल्स है उसको फिलअप करेंगे इसमें। तो अपना बैंक डिटेल्स डाल देते हैं, अपना भी बैंक डिटेल डाल दीजिएगा और नेक्स्ट आपका कुछ नहीं करना है इसमें। बैंक डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा दे देगा प्रीव्यू, आपका पूरा सेल्फ डिक्रिएशन का प्रीव्यू दे देगा। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए और देन नेक्स्ट में आप अपना इसको प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यूएन का यहाँ पे डिटेल देगा, उसको आप सेफ रखिए, ऐसे आपका कार्ड आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। आप मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगा, फिर मैं इससे रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।